गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू पाइनियर कॉन्वेंट स्कूल। स्टैंडर्ड 8 मिनरल रिसोर्सेज का चैप्टर चल रहा है, उसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं द रिसोर्सेज फ्रॉम विच हीट और एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, एंड दैट हीट और एनर्जी पावर्स आवर लाइफ, मूव्स ऑब्जेक्ट्स एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले रिसोर्सेज को एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं, और ये एनर्जी रिसोर्सेज हमारी लाइफ को पावर देते हैं, मीन्स मूवमेंट लेकर आते हैं, मूव ऑब्जेक्ट्स जैसे कि व्हीकल्स का चलना, एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। नाउ मैटर दैट स्टोर्स एनर्जी, जिस मैटर में एनर्जी होगा दैट इज़ कॉल्ड फ्यूल, उसे हम फ्यूल भी कहते हैं। मेनली जो हमारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो टू कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। वन इज़ द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, सेकेंड इज़ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जैसे कि नेम से ही क्लियर हो रहा है कि दे गेट रिन्यूड, दे गेट रिचार्ज्ड ऑन देयर ओन, कि वो अपने आप रिन्यू हो जाते हैं, मीन्स अपने आप और बन जाते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी है, ये फिनिश नहीं होती है, ये डेली रिन्यू होती रहती है, क्योंकि आपको पता है कि सन के जो अंदर है हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस का केमिकल रिएक्शन चलता रहता है, तो सन तो कंटिन्यूसली हीट रेडिएट करता रहेगा एंड लाइट एनर्जी रेडिएट करेगा, तो ये रिन्यूएबल सोर्स हो गया। सेकेंड है हाइड्रो एनर्जी, वाटर से बनने वाली एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी मीन्स अर्थ के इनसाइड जो हीट एंड प्रेशर से एनर्जी डेवलप होती है, तो ये हमारा हो गया रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कुछ हमारे एनर्जी रिसोर्सेज ऐसे होते हैं विच आर नॉन रिन्यूएबल, कि वो दे कैन नॉट बी रिन्यूड, वो इजीली रिन्यूड नहीं हो सकते हैं, नए नहीं बन सकते, और इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, और अगर वो बनते भी हैं तो उन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल एट ह्यूमन टाइम स्केल। मतलब जितनी हमारी जो लाइफ पीरियड है उसके बीच में वो दोबारा से बन जाएं, इट इज़ नॉट पॉसिबल, दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स। दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर, और जो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये ऑर्गेनिक होते हैं नेचर में। इनके जो एग्जाम्पल हैं दैट इज़ कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। नाउ वी विल स्टडी द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। कन्वेंशनल मीन्स ट्रेडिशनल, मीन्स ओल्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो हम इतने सालों से यूज़ करते चले आ रहे हैं, जिसमें से जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनमें से कुछ तो रिन्यूएबल होते हैं और कुछ नॉन रिन्यूएबल होते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं फायरवुड मीन्स वुड, कैटल डंग केक जिसे आप हिंदी में बोलते हैं उपले, एंड कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाइडल एंड थर्मल एनर्जी। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, एंड वी विल स्टडी ऑल दीज कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज वन बाय वन। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी मीन्स जो न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो बहुत सालों से यूज़ में नहीं हो रही है, अभी अभी लेटेस्ट इन्वेंशंस हुई हैं, तो रिन्यूएबल, ये रिन्यूएबल होते हैं, और इनके एग्जाम्पल हैं विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। विंड एनर्जी मीन्स हवा से जो बनने वाली एनर्जी है, टाइडल एनर्जी जो ओशन की, सी की जो वेव्स से एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। देन सोलर एनर्जी, जियोथर्मल, बायोगैस एंड एटॉमिक एनर्जी। एंड नाउ वी विल स्टडी ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट विद कन्वेंशनल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल रिसोर्सेज में सबसे पहले फायरवुड एंड डंग केक, मीन्स जो हम वुड यूज़ करते हैं जलाने के लिए, और डंग केक मीन्स जो कैटल डंग से बनाए जाने वाले केक्स उपला होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो हमारा रिसोर्स है दिस इज़ वेरी कॉमन फ्यूल इन इंडिया, इंडिया में बहुत कॉमन है और बहुत सालों से ये यूज़ हो रहा है। दिस इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, दोनों कामों में यूज़ होता है, कुक करने के लिए और हीटिंग के लिए। यूज़ ऑफ दिस फ्यूल इज़ डिस्करेज्ड, ये जो फ्यूल यूज़ करते हैं फायरवुड एंड डंग केक, इसको डिस्करेज किया जाता है फॉर टू रीजंस। नंबर वन, अगर हम फायरवुड यूज़ करते रहेंगे तो क्या होगा कि फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज़ हो जाएगा, तो एक तो ये रीज़न है कि इसके लिए हम इसको डिस्करेज करते हैं कि आपको वुड को यूज़ एज अ फ्यूल नहीं करना चाहिए। जो डंग केक्स हैं उनको जलाने की बजाय अगर हम उसे एज अ मैन्योर यूज़ करें अपने फील्ड्स में, फार्म्स में, उसको एज अ खाद यूज़ करें,
तो उसका ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा इंस्टेड ऑफ बर्निंग। इन टू रीजंस की वजह से इस फ्यूल के डिस्करेज किया जाता है। सेकंड नंबर पे आएंगे फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स मतलब कैसे बनते हैं कि मिलियन ईयर्स बैक, लाखों करोड़ों साल पहले, जो एनिमल्स रिमेन या फॉरेस्ट रिमेन मीन्स गॉट बरीड अंडर द अर्थ, अर्थ के नीचे किसी भी रीज़न से, किसी कैलमिटी से, डिज़ास्टर से दब गए, तो बाय हीट एंड प्रेशर, जो अर्थ के अंदर इतना हीट और प्रेशर है उससे ये प्लांट्स एंड एनिमल्स गॉट कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल, ये फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गए। द रिसोर्स ऑफ दीज फ्यूल आर लिमिटेड, और ये जो रिसोर्स है ये बहुत लिमिटेड रिसोर्स होता है। नेक्स्ट, अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सबसे पहले कोल, दिस इज़ फाउंड इन एबंडेंस, ये बहुत एबंडेंस में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, एंड दिस इज़ द वाइडली यूज्ड फ्यूल, सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला फ्यूल है। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये आपके पास इस वे में क्वेश्चन पेपर में आ सकती है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पेट्रोलियम, सो यू हैव टू राइट दिस इन्फॉर्मेशन। नाउ कोल इज़ यूज्ड एज, एक तो सबसे पहले डोमेस्टिक फ्यूल में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, एंड कोल इज़ यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये थ्री मेन यूजेस हैं कोल के। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम कोल, जो कोल से एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, दैट इज़ कॉल्ड थर्मल पावर। एंड कोल, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्यूल है, सबसे ज़्यादा कॉमन है, इसको हम बरिड सनशाइन भी कहते हैं कोल को। एंड जो कंट्रीज रिच हैं कोल में, दोज आर चाइना, USA, रशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एट्सेट्रा। नाउ पेट्रोलियम, ये टू वर्ड से मिलकर बना है, पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा का मीनिंग होता है रॉक्स और ओलियम का मीनिंग होता है ऑयल, तो मीन्स रॉक्स में से मिलने वाला ऑयल। ये रॉक्स में से कैसे मिलता है? दिस पेट्रोलियम इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, ये सेडिमेंट्री रॉक्स में अवेलेबल होता है बीनीथ द अर्थ, अर्थ के नीचे, और इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय ड्रिलिंग मेथड। और जब हम इसे अर्थ से निकालते हैं तो इस नेचुरल फॉर्म में ये बहुत क्रूड होता है, मीन्स इसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिक्स होती हैं, और उसके बाद इसे रिफाइनरी सिस्टम में लेके रिफाइन किया जाता है, और फिर इस क्रूड पेट्रोलियम से जो इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं वो होते हैं पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, वैक्स, और बहुत से तरीकों के ल्यूब्रिकेंट्स मिलते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल गोल्ड, सॉरी वैल्यूएबल प्रोडक्ट, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी आज की लाइफ है वो कम्प्लीटली पेट्रोलियम पे डिपेंडेंट है। पेट्रोल डीजल के बिना आपके व्हीकल्स नहीं चल सकते हैं, सारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा पेट्रोलियम पे डिपेंड करता है, एंड इट इज़ वेरी वैल्यूएबल, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। और जो कंट्रीज विच आर वेरी रिच इन दिस फ्यूल, दोज आर चाइना, नॉर्थ अमेरिका, इन नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको, कैनेडा एंड USA एंड रशिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट नेचुरल गैस। दिस इज़ फाउंड विथ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के पास होती है। जब हम ऑयल एक्सट्रैक्शन करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं और पेट्रोलियम को बाहर निकालने की ट्राई करते हैं, तो पेट्रोलियम से पहले गैस इज रिलीज्ड, वहाँ से गैस रिलीज होती है और उस गैस को सरफेस पे कलेक्ट किया जाता है। गैस के एडवांटेजेस क्या है? नंबर वन, इट इज़ ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइन स्पिट करो और इसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत ईजी है। सेकेंडली, इट इज़ क्लीनर देन ऑयल एंड कोल। आप कोल जलाएंगे या आप घर में ऑयल जलाएंगे तो उसका बहुत स्मोक और बहुत पॉल्यूशन होता है, जबकि आप अपने घर में नेचुरल गैस, जो आप लिक्विड पेट्रोलियम गैस यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ LPG, तो उससे कोई इतना स्मोक नहीं होता। सो नेचुरल गैस इज़ क्लीनर, ये बहुत क्लीन होती है एज कम्पेयर टू ऑयल एंड कोल, एंड इट इज़ चीपर देन ऑयल। ऑयल के कंपेरिजन में इसके रेट्स बहुत कम होते हैं, एंड दिस इज़ ईको फ्रेंडली, क्योंकि ये स्मोक या अदर पॉल्यूटेंट्स जनरेट नहीं करती है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट हाइड्रल पावर, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय वाटर। जो फास्ट फॉलिंग वाटर होता है, जब इसको बहुत ऊपर से गिराया जाए, जैसे आपने डैम्स की वीडियोस देखी होंगी, तो ये मूव करता है टर्बाइन ब्लेड्स को जो कि बॉटम पे रखे जाते हैं डैम के बॉटम पे। ये जो मूविंग ब्लेड्स हैं ये जनरेटर को टर्न ऑन कर देते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थर्मल पावर एंड हाइड्रल पावर? थर्मल पावर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, द इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ जनरेटेड बाय कोल। हाइड्रल पावर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय वाटर। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सी, थर्मल पावर,
इट इज़ अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कोल, क्योंकि मतलब ऐसा तो नहीं है कि फ्रीक्वेंटली फ्लड्स आ रही हैं, फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक आ रहे हैं और हर साल ही अर्थ के नीचे बहुत सारी डेड बॉडीज या प्लांट्स रिमेन चले जाते हैं, ऐसा मिलियंस ईयर्स में होता है। तो जब मिलियन ईयर्स के बाद वो प्लांट एंड डेड बॉडीज जो हैं कोल में कन्वर्ट होती हैं, तो इसको हम ईजिली रिन्यूएबल सोर्स नहीं कहते। दिस इज़ अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और हाइडल पावर, इट इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज प्लेंटी ऑफ वाटर इज देयर ऑन द अर्थ। सेकेंड, इट इज़ जनरेटेड बाय हीटिंग फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल को हीट किया जाता है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को। और जबकि हाइडल पावर को जनरेट किया जाता है यूजिंग द फोर्स ऑफ रनिंग और फॉलिंग वाटर। थर्ड, इट कॉजेज एयर पोल्यूशन नेचुरली। इट इज़ पोल्यूशन फ्री। अब वाटर से जो एनर्जी जनरेट हो रही है वहाँ तो उस प्रोसेस में कोई पोल्यूशन होता ही नहीं है। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड इट इज़ इकोनॉमिकल। सो दीज आर द डिफरेंसेज बिटवीन थर्मल पावर एंड हाइडल पावर। नेक्स्ट, जो लीडिंग कंट्रीज हैं जो यूज़ कर रही हैं और प्रोड्यूस कर रही हैं हाइड्रो पावर को, दोज आर चाइना, नॉर्वे एंड ब्राज़ील। इंडिया में भी कुछ हाइडल स्टेशंस हैं, हमें और हाइडल स्टेशन की नीड है। बट द इम्पॉर्टेंट हाइडल स्टेशन इन इंडिया आर भाखड़ा नंगल डैम, गांधी सागर डैम, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। तो ये हमारे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे हाइडल पावर जनरेट की जाती है। सो स्टूडेंट, ये हमारा सारा टॉपिक था आज का कि एनर्जी रिसोर्सेज का डिफरेंशिएशन, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, देन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में हमने स्टडी किया फायरवुड, डंग केक, फॉसिल फ्यूल्स को। फॉसिल फ्यूल में कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। आफ्टर दैट वी स्टडीड हाइडल पावर। तो ये सारा हमारा कन्वेंशनल रिसोर्सेस ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस वन बाय वन। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय।